जिस रामविलास पासवान पर परिवारवाद करने का आरोप लगता रहा, जिन जिन्होंने अपने दोनों भाइयों को आगे बढ़ाया, अपने बेटे को आगे बढ़ाया, अपने भतीजों को आगे बढ़ाया, जब लोकसभा के टिकट बंट रहे थे तो आधे से ज्यादा टिकट परिवार में रह गए, ये बातें भी सामने आती रही। विधानसभा के जब चुनाव होते थे तो परिवार के लोगों को टिकट मिलता था। जिस आदमी ने अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाया, साथ लेकर चले, आपके नजरिए में उनके जाने के बाद ऐसा क्या अचानक से हुआ कि पशुपति पारस ने न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार में टूट डाल दी? और तो अब फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि दोनों परिवार एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते। देखिए, महत्वाकांक्षा जो है, एम्बिशन जो है, वो कहीं ना कहीं हर इंसान में दबी होती है। और जब सत्ता जहां रहती है वहां यह महत्वाकांक्षा, जहां पावर सत्ता पैसा रहता है वहां महत्वाकांक्षा सामने आ जाती है। ये जब बेटा बाप को हटा देता है, भाई भाई को हटा देता है, बहुत उदाहरण है। पारस जी सक्रिय नेता थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे, सक्रिय नेता थे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये मलाल रहा होगा कि वो लोजपा की मेन लाइन से साइड लाइन कर दिए गए हैं, भले वो पासवान जी की तरफ से किए गए हों, लेकिन ये न कहीं मलाल था। कहीं ना कहीं चिराग की महत्वाकांक्षा भी ज्यादा थी कि मैं ही पार्टी का वो रहूं, मैं ही सब कुछ, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर उसके पास रहे। तो ये कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है ये दोनों चीज टकरा रही थी। और ऐसे में बाहरी लोग भी काम करते हैं, आपके परिचित जो है वो आपको भाई कह के ही नहीं जाती थी राम वनवास जाए या दशरथ मरे। चिराग पासवान लेकिन अभी भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी ने वो तो उनको मंथरा के टिकट दी कहने है। पे, वो तो मंथरा के सलाह से ना ऐसी हुई, तो उसी तो सलाहकार भी जो है आपको दाएं बाएं कर देते हैं। तो कौन सलाहकार है आप ही जानते हैं, और ये ओपन सीक्रेट है। लेकिन ऐसी क्या वजह है प्रदीप जी कि चिराग पासवान अभी भी ये स्वीकार करने को या फिर खुले मंच से ये बोलने में कतरा रहे हैं कि जिन्हें उन्होंने राम कहा, जिनके वो हनुमान थे विधानसभा चुनाव में, या फिर जिन बीजेपी नेताओं का वो नाम लेते हैं कि उनके साथ एक बंद कमरे में बैठक में सारी चीजें बात हुई थी, उन चीजों को लेकर वो सीधे चुनाव सीधे जेडीयू पर और नीतीश कुमार पर ही आरोप लगाते हैं और खुलकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर वो अभी भी बहुत खुलकर कुछ नहीं कह रहे। ने खोल के नहीं, लेकिन इशारा तो कर दिया उसने कि हनुमान जी का राम नहीं ख्याल रखे तो क्या कर सकते हैं। इशारा तो कर दिया उन्होंने, और ये भी इशारा कर दिया कि जो उन्होंने किया था विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के इशारे पे हुआ था। अब राजनीति में आप खुल के नहीं कह सकते, लेकिन इतना कहना ही या संकेत देना ही संदेश चला जाता है। तो इसके बाद, टूट के बाद, मुझे लगता है चिराग ने इनडायरेक्टली इशारा कर दिया कि जो विधानसभा का गेम था जो वो कर रहे थे वो अपने मन से नहीं कर रहे थे वो, या अपने वही सलाह, इनको कोई आपकी दूसरा इस सलाह दे किताब रहा किताब पारे। पर आते हैं प्रदीप जी, जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ, आपने इस किताब में रामविलास पासवान के जीवन के चार पहलुओं को समेटने की कोशिश की है, जिसमें पहला है कि वो कैसे एक पिछड़े गांव से उनका बचपन शुरू हुआ और पढ़ाई लिखाई और फिर उनका जो पारिवारिक जीवन है। दूसरा पहलू है कि राजनीति में उनकी एंट्री से लेकर और जो उनकी राजनीतिक यात्रा रही इतनी लंबी, और उसके बाद तीसरा सामाजिक न्याय के लिए उनके द्वारा किए गए जो उनका जो संघर्ष था उसको लेकर आपने लिखा है, और चौथा कि उनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी, चूंकि वो डीएसपी भी चुने गए थे और उसके बाद वो राजनीति में आए, तो उनकी प्रशासनिक क्षमता, प्रशासनिक फैसले और केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनके जो किए गए काम है। इस किताब में ऐसा क्या है जो पाठक खरीदें और पढ़ें, क्योंकि रामविलास पासवान के बारे में बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स लोगों के पास आती रहती हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है तो लोगों के पास बहुत सारी जानकारियां हैं। इस किताब में ऐसा क्या है जो अब तक किसी को नहीं पता पासवान जी के बारे में? उत्कर्ष जी, आप भी पत्रकार रह चुके हैं, पत्रकार हैं। मैं जब ये किताब लिखने गया तो मैंने सर्च किया कि रामविलास पासवान के लिए मटेरियल और रिसर्च के लिए कहाँ मिलेगा। विकिपीडिया, गूगल और सब मैंने इंडेक्स खंगाल लिए, रामविलास पासवान पे कुछ नहीं। केवल ये
मैंने दिया है भूमिका में, केवल ये कि कहाँ पैदा हुए, मंत्री कब कब बने, शपथ कब कब लिए, बस, और मौसम वैज्ञानिक और दूसरी शादी, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। मुझे आश्चर्य हुआ जो 10 साल के नेता हैं, जो 15 साल के नेता हैं, उन पर 10 किताबें आ चुकी हैं, और एक नेता की आत्मकथा तो 300-400 आ चुकी है, नाम नहीं लेंगे, 10 साल के अंदर, 5-7 साल के अंदर। और ये 50 साल राजनीति, सक्रिय राजनीति में सेंटर स्टेज में रहा जो व्यक्ति, उस पर एक भी किताब नहीं आई है। लालू जी पे, नीतीश पे 10 किताबें आ चुकी हैं, तो इसलिए इनके बारे में इस किताब के पहले कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी चीज कि बहुत कम, इसमें बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप जब पढ़ेंगे पूरी किताब तो आपको लगेगा बहुत चीजें ऐसी है। इस किताब में इनके जीवनी के साथ साथ 50 साल की राजनीतिक घटनाएं भी चल रही है, 69 से कैसे कैसे बिहार में सरकार बदली, सेंटर में बदली, कैसे जनता दल टूटा, कैसे जनता पार्टी टूटी, लोक दल बना, जनता दल बना, संयुक्त जनता दल बना, और कैसे कैसे ये हुआ। फिर दलित फिलॉसफी इनकी क्या थी, मैंने लिखा है इसमें कि सामाजिक न्याय पे जितना इस व्यक्ति ने काम किया, और मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, किताब लिखते समय मुझे लगा कि मैं पासवान को जितना 20 साल में जानता हूँ, उससे, मैंने लिखा भी है इस किताब में, उससे कहीं इसका, इनका कद बढ़ा है, उससे कहीं इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। इनका बचपन कैसे बीता आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुए तो आपको आश्चर्य होगा। ये अपने को कभी नहीं कहते मैं गरीब परिवार से आया, लेकिन जिस तरह से इनकी इनकी लाइफ, व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन भी, और उसका कहीं ना कहीं कारण कहना नहीं चाहिए कि अभी भी हमारे यहाँ दलित को वो स्थान नहीं मिलता है। दलित में भी इन्होंने, दलित में कभी भी सवर्ण को गाली नहीं दी। इनका दलित वाला जब चैप्टर आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि ये हमेशा कहते रहे कि सवर्ण ने ही दलितों के या अति पिछड़ों के उत्थान के लिए काम किया। कभी उसमें महात्मा बोध, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती से लेके वो बीपी सिंह तक का नाम लेते हैं कि दलितों के आंदोलन का नेतृत्व जो है सवर्ण के लोगों ने किया, इसलिए इन्होंने दलित सेना बनाई या जो भी बनाया, दलित अल्पसंख्यक को लेकर रामविलास पासवान जी का जो रुख रहा वो बहुत हार्ड, उन्होंने लाइन कभी अख्तियार नहीं की, वो बहुत सॉफ्ट, कभी गाली नहीं किया ना, कभी मनुवादी या गाली नहीं दिया, और हमेशा ये माना कि बिना इनके सामाजिक न्याय की गाड़ी नहीं बढ़ सकती है और सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। और प्रशासनिक में मैंने केवल उनके मंत्री में, अच्छा कहते हैं मौसम वैज्ञानिक इनको, लेकिन 50 साल के राजनीतिक जीवन में केवल ये 16 साल मंत्री रहे हैं,